आज अपन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे। आपको पता है अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा झंडा। कितने रंग की पट्टियों से मिलकर बनता है? तीन। सबसे पहले रंग की पट्टी केसरिया। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? हमारे देश की ताकत का। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का। और तीसरी पट्टी का रंग हरा। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? विकास का। और सफेद रंग में बीच में क्या मंडा होता है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। अच्छा, आपको पता है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और राष्ट्रीय पशु? बाघ। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लोटस। को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल। और हमारे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो। हाँ, थोड़ा कड़ा।